दोस्तों, तो फाइनली आज हम इम्पोर्टेंट केस लॉ शुरू करते हैं और इसको सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले अमेंडिंग पावर से शुरू करते हैं। इनफैक्ट अमेंडिंग पावर तो वैसे तो मैंने शंकरी प्रसाद से शुरू किया है, जहाँ पे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हुई थी। बट इनफैक्ट आपको मैं ये बता दूं कि उससे पहले भी एक केस आया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, मद्रास हाई कोर्ट। सो मद्रास में रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था, उसमें मुझे याद आएगा, अभी बता दूंगा। कोई सी से नाम था, बट नेवरदलेस शंकरी प्रसाद उसमें केस में कोर्ट ने लॉ के बारे में बताया था कि जो जो आर्टिकल 13 में जो लॉ लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू मतलब ऑर्डिनरी लॉ एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ। ये जो अरे मेरे दिमाग में केस फंस गया, बट याद आ जाएगा। उसके बाद ये सज्जन सिंह तक ये ज्यूरिसप्रूडेंस चली। गोलकनाथ में इसको अपोज कर दिया गया, बोला कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स मतलब कोई भी अमेंड नहीं कर सकते कभी भी, रीजन जो भी आपको याद होंगे कि भाई उसमें पावर नहीं दिया गया, प्रोसीजर दिया गया है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बन सकती है। फिर केशवानंद भारती में फाइनली आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गई। मिनर्वा ऑल्दो वो आ गई थी, लेकिन मिनर्वा मिल्स में भी कुछ चीजों कहा गया, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि केशवानंद भारती के बाद आया था, उसमें वो सब बातें कही गई थी कि उसमें सब बातें कही गई थी, जैसे ये वाली कि हाँ, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट केशवानंद भारती के बाद आया था। हाँ, तो 42nd ऑल तो केशवानंद भारती में आपका जजमेंट आ गया था कि भाई ये लोग कि पार्लियामेंट कैन अमेंड बट इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। बट स्टिल उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कोर्ट मतलब कि अमेंड करके कहा कह दिया गया था कि आर्टिकल 13 में लिख दिया गया था कि जो भी आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट आएंगे वो इसमें नहीं फॉल करेंगे, और उल्टा 368 में कह दिया गया था कि 13 नहीं फॉल करेगा। ये सब चीजें मिनर्वा मिल्स में हटा दी गई। उसके बाद अपने को म्यूट कर लो यार। उसके बाद हम लोग रिजर्वेशन पे केस देखते हैं। रिजर्वेशन पे केस क्या होगा, तो रिजर्वेशन पे इम्पोर्टेंट केस आपका होता है इंदिरा सोहनी, जिसमें वो मतलब उन्होंने 50% वाला क्राइटेरिया दिया था, और ये कहा था कि इट विल बी इनफैक्ट इट विल बी वो मतलब सिर्फ सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखी जाएगी, और 50% का क्राइटेरिया दिया था ताकि उसके साथ आपकी एफिशिएंसी भी बैलेंस हो सके। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट केस आ जाता है नागराज। नागराज में मीन्स टेस्ट दिए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि आपको ये देखना है कि उनका लेवल ऑफ बैकवर्डनेस क्या है, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है सर्विसेज में। तीन चीजें दी गई थी। ईवी, ये वैसे तो ऑर्डर गलत होगा, ईवी चिनैया पहले आया था। ईवी चिनैया केस है वही जिसमें कहा गया था कि एससी एसटी में कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता है ये क्रीमी लेयर का। फिर जर्नील सिंह आया था 2018 में। जर्नील सिंह में नागराज के मीन्स टेस्ट में से दो चीजें मतलब एक को हटा दिया गया था, कि आपकी मतलब एग्जैक्ट नंबर एग्जैक्ट डेटा फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्वान्टिफिकेशन के लिए कितना बैकवर्डनेस है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट वो बैकवर्ड माना जाता है। अब मैं यहाँ पर इनफैक्ट चलिए मैं एडिट कर दूंगा इसको एक में, और ये जब ये ईडब्ल्यूएस को जो चैलेंज किया गया था वो भी रिजर्वेशन से रिलेटेड है, जिसमें कोर्ट ने बोला था कि नहीं ठीक है वो, तो वो भी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया है, और रिसेंट 7 जज बेंच का, अगर किसी को जजमेंट का नाम मालूम होगा तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉम बता देना, नहीं तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। उसके बाद हम आते हैं ट्राइब्यूनल से रिलेटेड जजमेंट। तो ट्राइब्यूनल से रिलेटेड एक संपत कुमार का केस है। एल चंद्र कुमार केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो जो 323A और 323B में जो क्लॉज 3 था, जो कि हाई कोर्ट की पावर को भी उसने डिबार किया हुआ था, उसको वो नल वॉइड किया गया था। उससे पहले संपत कुमार का भी केस आया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि भाई वो लॉ को ही आप चेंज करो, मतलब लॉ में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसको बदल सकते हो, लेकिन सपन को चंद्र कुमार में कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, 323A और 323B से हटाना पड़ेगा। उसी तरह मद्रास बार एसोसिएशन के केस से बहुत
ये कई सारे केसेस होते हैं इसमें, वही इसमें कोर्ट ने कहा था कि ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस शुड नॉट लीड टू ट्रिविलाइजेशन, ये भी इससे रिलेटेड है। रोजर मैथ्यू केस ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कैसे है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2017 में उस ट्राइब्यूनल को रिस्ट्रक्चर किया गया था, इसमें इनफैक्ट रैशनलाइज किया गया था, कई सारे ट्राइब्यूनल्स हटाए गए थे। तो क्वेश्चन वहां पे ये उठा था कि मनी बिल्स में ये सब चीजें कैसे हो सकती। उसके बाद 9 शेड्यूल से रिलेटेड आई आर कोयल हुए है। एक और इसी तरह का केस है, मैं वो केस का नाम बता दूंगा जो कि आई आर कोयलो की बात ही बोल रहा था, लेकिन ये फिर दोबारा आई आर कोयलो की बात मतलब आई थी, तो ये मैं बता दूंगा बाद में। तो एक बार फिर एक बार थोड़ा हम LLB के जो है केसेस एक बार उसको देख लेते हैं सच दैट याद रहे। अच्छा हाँ चलिए इसमें देख लेंगे, केशव नंदा भारती हमें मालूम ही है कि उसमें दिया गया था कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर का। SR बुम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने कहा था कि फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म बोथ आर बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी उसी लाइन पे है कि ये भी फेडरलिज्म से रिलेटेड है। राय साहब राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब बेस्ड ऑन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, जैसे अगर हम आर्टिकल 75 देखेंगे शायद तो उसमें ये कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव के पास को टर्मिनस पावर है। अभी हाँ तो इसमें कहा गया है उस आर्टिकल 75 में हम देखेंगे कि इनके पास को टर्मिनस पावर है। पावर आर सॉरी आर्टिकल 73 में ये कहा गया है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द ऑल द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज, इट्स नॉट नेसेसरी कि द पार्लियामेंट हैज मेड लॉज। तो इसी बात पे राम जवाया कपूर वाला केस था जिसमें ये कोर्ट ने यही कहा कि एग्जीक्यूटिव के लिए जरूरी नहीं है कि उस पर लॉ बना हुआ हो, पार्लियामेंट ने नहीं, पार्लियामेंट हैज पावर तो दैट इज वेल एंड गुड। उसके बाद हम आगे आते हैं बेरूबारी यूनियन वर्सेस एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, ये है जिसमें कोर्ट ने कहा कि इसमें कोर्ट ने दो बातें कही थी। एक तो कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो कि गलत है, इस बात कोर्ट ने ओवरूल किया था केशवानंद भारती में। और दूसरी बात कोर्ट ने कही अगर आप पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 2 और 3 में सीड करने की पावर नहीं है, इट्स अ सॉवरेन फंक्शन और इसके लिए अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें आगे हो जाता है RC पॉडियार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट्स उससे रिलेटेड केस है ये। सिक्किम में जो संघ वगैरह की जिसमें रिलीजियस लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, उन सब बातों पे केस था। बाबूलाल पराठे वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे नॉट इम्पोर्टेंट। बीपी सिंगर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नर की पावर से रिलेटेड ये केस है ये। यूएन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SP आनंद, ये सब है कि जो आपको दिया गया है ये दोनों केस वैसे हैं कि जो 6 महीने वाली पीरियड दी गई है तो नॉन मेंबर कैन ऑल्सो बी इलेक्टेड एज अ मतलब मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, उस बातों पे सब है। और शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अगेन इट्स ऑन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, इनफैक्ट सॉरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट के उस पर पावर है कि प्रेसिडेंट क्या इज ऑलवेज बाउंड बाई एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, शमशेर सिंह और MP स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट। स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये तो हमें मालूम ही है अभी जो दिल्ली के लिए जो केसेस होते हैं किसका ज्यादा कंट्रोल है, ये पुरु सुधाकर वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ AP, छोड़ो। अच्छा अगेन आई थिंक दिस इज रिलेटेड टू डेथ पेनाल्टी कि कितना पावर है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन मुझे यही याद आ रहा है, बट लीव दिस। SP आनंद हमने देख ही लिया। BR कपूर वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये इस बात से रिलेटेड केस है कि जैसे इसमें जयललिता वॉज बार्ड बिकॉज ऑफ मतलब किसी करप्शन वगैरह में फंस गई थी, तो शी वॉज बार्ड टू कॉन्टेस्ट अ लेजिस्लेचर, पार्टी उसके जीत गई तो उसको चीफ मिनिस्टर बनाएगा। और यही कहा गया कि ऑलरेडी हमने SP आनंद और इसमें देख रखे हैं कि नॉन मेंबर कैन ऑल्सो बिकम एज मिनिस्टर फॉर 6 मंथ्स, लेकिन इसमें कहा गया कि नहीं वो अगर एलिजिबल ही नहीं है तो नहीं बन सकती। अच्छा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब है इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड केसेस।
जैसे ईडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और लोक प्रहरी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब चीजें। अब इसके बाद जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड केस है ये, जरूरत है री केशव सिंह भी नहीं जरूरत है। राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर, ये भी रेलिवेंट केस है क्योंकि अभी स्पीकर है, मतलब अभी कुछ ज्यादा ही लोग डिस्क्वालिफाई हो रहे थे, तो इट्स रिलेटेड टू कि डिस्क्वालिफिक, इट्स रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब स्पीकर की डिस्क्वालिफिकेशन पावर क्या है, क्या कोर्ट इंटरफेयर करेगा नहीं करेगा। उसके बाद मतलब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, सबसे इंपॉर्टेंट दो हैं, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसके बाद आते हैं इस पे एसपी गुप्ता, ये जजेस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड केस, एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सेकंड जजेस केस, इंडी स्पेशल रेफरेंस 1 ऑफ 1998 थर्ड जजेस केस, और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट्स एनजेएसी केस, ठीक है। और ये ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है, एल चंद्र कुमार और मद्रास बार एसोसिएशन, थर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रूपा अशोकपुरा वर्सेज अशोकपुरा क्यूरेटिव पिटिशन का है, सेकंड छोड़ो। उसके बाद त्रिलोक चंद, ये सभी बेकार है, नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, नॉट वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, एक फॉरेस्ट केस है नीलाम्बू टीक वाला, जो कि जिसमें कोर्ट ने कंटिन्यूअस मैंडेट मतलब एक्स्ट्रा रिट की बात की थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, इसमें कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी इसमें आप मतलब एलएलएम या किसी एंट्रेंस के लिए इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, इसके लिए भी कोई केस नहीं, ये सब कोई वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। रेसिड्यूरी पावर, ये वाला भी केस में सर, जरूरत नहीं है। एमसी मेहता इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट आई थिंक। हाँ, तो एमसी मेहता, सॉरी, मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में एमसी मेहता इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके उसके एनवायरमेंटल लॉ के केसेस के उसमें, तो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देख रहे हैं, तो इसलिए इसको इस ढंग से नहीं देखेंगे। एमसी मेहता के केसेस आप वहां पे देखेंगे, एमसी मेहता की सीरीज में एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है, जो कि कानपुर टैनरी का केस है, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ है, जो कि वाटर बॉडी से रिलेटेड है, तो हम एनवायरमेंट वाले एनवायरमेंट लॉ के केसेस में उसको देखेंगे। ओके सर। तो ये हो जाएगा। अब ये भी एक बार देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा था, तो ये भी इसमें से कुछ ज्यादा केसेस वैसे नहीं पूछे जाते हैं। अच्छा, बीसीसीआई वर्सेस, अच्छा ये देख सकते हैं, स्टेट की डेफिनेशन के लिए, स्टेट की डेफिनेशन में क्या आते हैं उसके लिए केस आपका इंपॉर्टेंट है, बीसीसीआई वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार। उसके बाद प्रदीप कुमार बिस्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, स्टेट की डेफिनेशन के लिए। उसी तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी केस इंपॉर्टेंट होता है स्टेट की डेफिनेशन के लिए। फिर लॉ के लिए ये सब केसेस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट, सेवरेबिलिटी नहीं इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लॉ के लिए शायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो अगर यूसीसी की बात कहाँ कहाँ हुई है, शाह बानो में हुई, डेनियल लतीफी में हुई, शायरा बानो में हुई, तो ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट। उसके बाद राइट टू, ये सब छोड़ो, राइट टू इक्वालिटी, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार नहीं, सब कोई, इंदिरा सोनी हमने डिस्कस कर ली, लिया एम नागराज भी कर लिया हमने, जर्नील सिंह भी हमने देख लिया, द बीके पवित्र वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रिलेटेड टू रिजर्वेशन ओनली, के पवित्र भी इम्पोर्टेंट है, मतलब रिजर्वेशन के हिसाब से आप जान सकते हैं इसको। इनफैक्ट नहीं, वहां पता ही नहीं के पवित्र हुआ क्या था। सेकंड, इट्स रिलेटेड टू रिजर्वेशन ओनली। आगे बढ़ते हैं,
श्री परमती एजुकेशनल मॉडर्न डेंटल कॉलेज जोसेफ शाइन। हाँ, जोसेफ शाइन में आपका वो हटा गया था, मतलब आपके अडल्ट्री को, मतलब जो 497 जो आर्टिकल थे उस, सॉरी सेक्शन था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। इट्स ओनली अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, नो नॉट एन ऑफेंस। अनटचेबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका, नहीं जरूरत है। सफाई कर्मचारी आंदोलन, ये जान सकते हैं। वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल, बालाजी राघवन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इट्स अ गुड केस फॉर ऑन आर्टिकल 18। इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो जो मिलिट्री और या जो एकेडमिक टाइटल्स मिलते हैं, जैसे डॉक्टर मिल जाता है या एमफिल लिख दिया जाता है, दैट इज नॉट अ टाइटल, दैट इज एन अवार्ड। क्योंकि वो आपके, आपको पास इनहेरिट नहीं कर सकते, आपको मिलता है। अच्छा, बेनेट कोलमैन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आईबी, वैसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेनेट कोलमैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को आप कंपार्टमेंटलाइज नहीं कह सकते, कि 19 को 21 हमेशा अलग देखेंगे, मिक्स होता है। शाह सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि उसमें 63A को, 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था आईटी एक्ट के। यूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हमें दे, अनुराधा भासीन क्या है उसमें, इसमें अभी जो जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट, राइट टू इंटरनेट को एक फंडामेंटल राइट नहीं कहा गया। इनफैक्ट केरला इज द ओनली स्टेट अभी तक जिसने राइट टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट का एक दर्जा दिया हुआ है, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट राइट, और उससे जो इंफॉर्मेशन एक्सेस करेंगे वो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर आएगा, और इसलिए इट ईड सेवरल फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बाकी कोई इम्पोर्टेंट इसमें से नहीं है। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका इज एन इम्पोर्टेंट फॉर राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसमें कहा गया था कि अगर आपके लाई डिटेक्शन टेस्ट वगैरह होने हैं, इसके लिए आपका कंसेंट जरूरी है, लेकिन जो बाकी आपका जो हेयर सैंपल्स, ब्लड सैंपल दिए जा रहे हैं, उसके लिए कंसेंट नहीं भी मिले तो भी कोई बात नहीं। मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इट्स एन इम्पोर्टेंट केस नेचुरल जस्टिस के लिए, राइट टू अ फेयर हियरिंग। उसके बाद जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इट्स अ प्राइवेसी नॉर्थ ईस्ट जोहर सेक्शन 377। डी के बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अरेस्टेड पर्सन के राइट को लेकर होता है, बहुत सारी गाइडलाइंस आई थी। इनफैक्ट अर्नेश कुमार भी उससे रिलेटेड है। अच्छा हाँ, रिलीजन के केसेस हैं, इनको एक बार बस ध्यान देना चाहिए। जनरली तमिलनाडु से रिलेटेड केस होते हैं या ट्रैवनकोर से रिलेटेड होते हैं। श्रीरामल एंड आदित्यन वर्सेस ट्रैवनकोर देवस्वम बोर्ड, कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस आचार्य जगदीश्वरानंदा अवधापुरी। ये जो जैसे आचार्य वाचार्य आ जाए, आप समझ जाइएगा कि वो या आदि सभा शिवा, ये सब रिलीजन से रिलेटेड है। रेवरेंड स्टेनस लॉस, बिजॉय मैनुअल। हाँ, बिजॉय मैनुअल वो था जिसमें तीन जो मतलब लड़के खड़े नहीं हुए थे नेशनल एंथम में, तो वो भी मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम टू कैरी ऑन योर कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और उससे रिलेटेड ये केस है। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये तो आपका सबरीमाला केस है। उसके बाद एजुकेशनल कल्चर, टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इट्स एन इम्पॉर्टेंट केस, क्योंकि अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को चैलेंज किया गया था, तो उसमें इसको रिफर किया गया था। ये इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी माइनॉरिटी से रिलेटेड है। सिंधी एजुकेशनल सोसाइटी वर्सेस चीफ सेक्रेटरी, इस्लामिक अकेडमी ऑफ एजुकेशन, ये सब आप देख, मतलब एक बार बस ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकता है, अभी रेलिवेंट हो गया है। स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह, नहीं, गाइडलाइंस फॉर पब्लिक इंटरेस्ट एडुकेशन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नॉट नीडेड। फंडामेंटल ड्यूटीज, नहीं जरूरत है इन सब केसेस का। सिविल सर्वेंट, कोई जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में देख लिया, केशवानंद भट्ट। हाँ, की हो तो हो लाहौन इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें ये कहा गया था कि शेड्यूल जो एंटी डिफेक्शन लॉ में जो जो स्पीकर का डिसीजन होता है, इट्स एक्टिंग एज ए ट्राइब्यूनल, देयरफॉर उसको सुप्रीम कोर्ट उस पर देख सकता है, ऐसा नहीं कि उस पर सब कुछ बंद हो जाएगा। बाकी हमने ट्राइब्यूनल का देख ही लिया। तो दोस्तों, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट केस लॉज, इसके साथ हमारे खत्म होते हैं। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा,
और इनफैक्ट मतलब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास खत्म हो जाएगी तो वील हैव मतलब ग्रुप डिस्कशन टाइप, जिसमें हम चीजें एक बार वेरीफाई कर लेंगे। और कोई और किसी कोई अभी सवाल पूछने हैं तो पूछ लो। आरती कोई सवाल है तो बोलो। सर, जो अभी आपने ये इम्पोर्टेंट केस लॉज की जो ये पीडीएफ ओपन की हुई है, इसमें हाँ नीचे जाके एक शेड्यूल 9 के ऊपर ही क्या बताया था आपने, आईआर शेलो वाला, तो आईआर ये वाला कोयलो, आईआर कोयलो केस वाला था जिसमें ये कहा गया था कि तो 9 शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, जिसमें जिसका मतलब ये था कि उसमें चला गया तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, उसको सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को देख नहीं सकता कि वेदर इट वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन और नो। तो आईआर कोयलो में ये कहा गया था कि 1973 तक तो ठीक है, बात लग जाएगी, बट 1973 में 24 अप्रैल को बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आ गई थी, तो उसके बाद से इट कैन बी चेक्ड, चाहे वो 9 शेड्यूल में जो भी लॉ डाल दिए हो उसको, उसके बाद वाले लॉज आर ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। इसलिए 9 शेड्यूल पे जजमेंट आईआर कोयलो को मैंने लिखा था। ओके सर। और ये और जो सर केस आप मुझे, एक एक सेकेंड सॉरी, जी अमेंडिंग पावर पे चंपकम दुराई राजन वाज द फर्स्ट केस। इनफैक्ट चंपकम दुराई राजन में कोर्ट ने बताया था कि आप लॉ को, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कीजिए, तो इसीलिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था। और उसी के बाद मतलब ये जो बात है कि ऑर्डिनरी लॉ फॉल्स अंडर आर्टिकल 13, जिसको विच कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, बट कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ कैन वायलेट, तो ये जो जुरिसप्रूडेंस थी। हाँ अब बोलो। सर, इसमें एक बार ये जरनेल सिंह वाला केस और एक्सप्लेन कर दो, रिजर्वेशन तो जर्नील सिंह तो वाला। हाँ, तो एम नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 मीन्स टेस्ट दिए थे। अब जैसे एक तो था कि आप क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफाइबल डेटा लो SC ST का, कितना है वो, ये प्रूफ करो कि वो रिप्रेजेंटेड नहीं है, और 2-3 और बातें थी। जर्नील सिंह में इस नागराज के मीन्स टेस्ट में से वो वाला पार्ट हटा दिया गया कि भाई ये दिखाओ कि ये अंडर रिप्रेजेंटेड है, क्योंकि ये माना गया कि SC ST बाई डेफिनेशन दे आर मतलब नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, तो इसलिए मीन्स टेस्ट में से जो नागराज ने दिए थे रिजर्वेशन के लिए, इनफैक्ट हाँ मतलब रिजर्वेशन इन प्रोमोशन के लिए नागराज ने दिए थे 3 मीन्स टेस्ट, इसीलिए नागराज, चूंकि समझो नागराज ने 2006 में रिजर्वेशन इन प्रोमोशन ये आ गया था 77th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, लेकिन नागराज ने के जजमेंट ने स्टे लगा दिया क्योंकि कोई भी स्टेट क्वांटिफिएबल डेटा था ही नहीं। तो ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि रिजर्वेशन होगा प्रमोशन में, लेकिन एक्चुअली मिल ही नहीं पाता था क्योंकि एम नागराज के जो 3 कंडीशन तो कोई स्टेट फुलफिल ही नहीं कर पाता था। तो जर्नेल सिंह में उस 3 में से 1 को हटा दिया गया और बोला कि सिर्फ 2 ही चीजें दिखानी है, ओके सर, ठीक है। जी सर, तो ये है, बाकी मैंने जो मतलब यहाँ पे DU LLB में जो पढ़ाई जाते हैं जो केसेस, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट थे जो कि एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरह एनवायरनमेंट के भी केसेस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनको भी देख लेंगे। तो ये आज का मतलब बोलो। जो आपने पीडीएफ अभी आपने ओपन की हुई थी सर, वो वाली आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दोगे? कर दूंगा कर दूंगा, ओके सर, इसमें थैंक यू इसमें एक सर। दो एडिशन करके मैं कर दूंगा। तो ये रखते हैं और फिर कल कल डिसाइड करते हैं कल आगे क्या करना है। 2-3 क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन रैप अप करते हैं ताकि एनवायरनमेंट लॉ और लेबर लॉ भी देखते हैं। चलो ओके सर, थैंक यू सर, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।